sit in over there. That's the low grade bathroom. Kama ke points andar ek luxury bathroom hai. Wo baad mein dekhne milega. Lekin please enter. Thank you. Come inside. Sambhalo. Ekdam aage. Careful, careful. Aa jao. Aur jaise aap dekh sakte ho ke left side mein cafeteria type of, जगह है जहाँ लोग खाना यहाँ से लेके वहाँ खाएंगे, लेकिन तो भी जेल में जैसा होता है एक प्लेस जहाँ वो लोग टीटी खेलेंगे या कुछ खेलेंगे, तो ये वो एरिया है, ओपन एरिया है। बट यहाँ आओ, ये है हमारा किचन जो मैं बता रहा था आपको। okay? और किचन में दिस इज द हाईलाइट, जहाँ वो लोग जो भी बर्तन धोएंगे यहाँ नीचे बैठ के ही धोएंगे, यहाँ से पानी खुलेगा और यहीं से धोना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, यू नेवर डन बिफोर। And if you see, everything is very raw. जो बर्तन भी वैसे हैं जो जेल में मिलते हैं, वही बर्तन हमने इनको दिए हैं। एंड ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी करके भी हमने थोड़ी थोड़ी सुविधा भी दी है, जो जहाँ से कुकिंग करे तो इतना भी बुरा नहीं है। अब थोड़ी पीछे चले जाओ, एक पूरा सरप्राइज है। ये कैसे खुलता बंद होता है मैं बताता हूँ। एक पीछे आ जाओ, ये पूरा यहाँ से बंद हो जाएगा। एंड सो यस, किचन विल नेवर ओपन फॉर देम थ्रू आउट। अर्न करो पॉइंट्स और फिली खुलने वाला है। दिस इज व्हाट इज गोना बी थ्रू आउट। पर यहाँ से एंगल आ जाएगा। That I can't take you. That's the luxury bathroom. Later on, you'll come to see bedroom. This, as you see, is two sides of the bedroom, left side and right side. A team and B team, and obviously, झगड़े भी बहुत होंगे, and across the, बार सब लोग एक दूसरे को सुनाते रहेंगे जो भी करना है। बट यस, दे कांट एस्केप फ्रॉम हियर। एंड तभी खुलेगा जब वार्डन चाहेगा, जब कंगना जी चाहेंगे। एंड एवरीथिंग विल ओपन ओनली व्हेन द पुलिस एंड वार्डन अग्री। बट बहुत कैरेक्टर है, बहुत क्रेजीनेस है। एंड यस, खुफिया बहुत चीज़ है जो मैं बताने नहीं वाला हूँ, लेकिन आप देखते रहो, मज़ा बहुत आएगा। अब मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर जाऊँ तो ये अलाउड नहीं है उनको, पर ये कोशिश करने वाले हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर गए तो सजा मिलेगी। दिस इज द बेड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सबकी पेटियां हैं, अपने कपड़े जो लेके आएंगे बस इसमें रहेंगे। एंड ऑब्वियसली बेड बने ही हैं आयरन के, सो दे कैन स्लीप लाइक दैट। फाइट्स बहुत होने वाली हैं, लेकिन मजा उसमें ही है। एंड छोटी छोटी चीजें हैं, जो जैसे बाहर की लाइट कैसे अंदर आती है वो डिटेल किया है हमने। बीकन है जहाँ साइरन चलेगा, somebody has दरवाजे के पीछे बहुत सारे खुफिया रूम्स हैं जो आपको अभी देखने नहीं मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही है। सीजन एक कैसा, क्या आपने डिजाइन किया, पहले तो डिटेल में अगर थोड़ा समझाना चाहते। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कभी देखा नहीं है, कभी मैंने किया नहीं पहले। एंड दिस इज कॉल्ड लॉकअप। एक जेल है जहाँ सब लोग आके रहने वाले हैं। एंड कैसे रहने वाले हैं मुझे पता नहीं। मैं करते करते डिज़ाइन करते हुए मेरे को भी टेंशन आ रहा था, बाप रे बिग बॉस अलग है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस इज लाइक अ लॉकअप विच नेवर सीन बिफोर। इफ अगर मैं इधर रहता तो मैं तो पागल हो जाता। इधर मतलब रहने के लिए इतनी दुविधा है कि हर चीज़ कमाना पड़ता है। इट्स लाइक लग्जरी नहीं है। बेड भी वैसे ही है जैसे जेल में होते हैं। बाथरूम में तो हमारे पास बहुत सारे एक एक पहलू हैं जो आपको अर्न करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शावर कर्टन नहीं है, आपको शावर कर्टन अर्न करके कमाना पड़ेगा, तो आप कर्टन से जाके अंदर नहा सकते हैं। फिर अगर वो शावर कर्टन को दरवाज़ा बनाना है तो वो भी एक पूरा एक टास्क करना पड़ता है, तो दरवाज़ा होगा। हर चीज़ के लिए आपको फाइट करके कमाना पड़ेगा। पिलो, लग्जरी पिलो है, वो भी एक टास्क है। जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा जो लॉकअप है इस तरह बनाया कि एक फोर्टिफाइड है, 45 प्लेस है जहाँ से कोई निकल नहीं सकता है। इधर यहाँ वार्डन लोग हैं, यहाँ इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है कि बाब वायर से करके द मेटल शीट्स, द स्टोन वॉल, एवरीथिंग इज सो रियल। इवन इनफैक्ट वो भी कितने दिन गिनने वाले हैं, कहाँ उन्हें
दिन का अतः पता नहीं होने वाला है इनको, एंड बहुत ही स्ट्रेनस स्टे होने वाले हैं. बट येस देर इज द यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ कंगना रनौत विच इज गोना मेक दिस होल लॉकअप मोर एन्जॉयबल एंड मोर क्रेजियर आई बिलीव. एंड वाइल डिजाइनिंग ऐसा था कि इसको कितना रियल बनाए एंड येट इतने सारे कैमराज हैं तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कैमरा देख रहे हैं आपको, तो हर कैमरा को पीछे पीछे छुपाया हुआ है, मिरर के पीछे छुपाया है, जाली के पीछे छुपाया है. एंड इसकी स्पेशल लाइटिंग ऐसी है कि आपको दिन में दिन लगेगा, इनफैक्ट जब अंदर ही रह रहे हो रात भी चेंज कर सकते हैं. यू नो अंदर का जो अब जब अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किचन में पूरा लॉकअप है, यू नो जाली बंद है, कब जाके खुलने वाला है वो ऑब्वियसली क्रिएटर्स पर है, लेकिन उसमें मज़ा एक है. तो हर चीज़ मैं जब डिज़ाइन कर रहा था और उनमें से जो मेरे को ब्रीफ मिल रहा था ना, करते करते इतना मज़ा आ रहा था कि भाई इसको और चैलेंजिंग कैसे करें. ठीक है चलो इधर आओ सो के देखो कैसे लगता है. यू नो सामने से जाली है, जाली में से वो दूसरा है, यू नो एक्सचेंज मिलता है. तो हम लोग सेपरेट लॉकअप्स नहीं कर रहे, बड़े लॉकअप्स कर रहे हैं. जेल पूरा कॉरिडोर है लेकिन अपोजिट साइड्स हैं दोनों के. यू नो यहाँ अभी ए टीम हो जाएगी, बी टीम हो जाएगी, हाउ दे गोना फाइट, एंड बहुत सारे छुपे छुपे राज मैंने इधर छुपाए हैं. वो धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे बाद में, वो अभी नहीं किसी को पता चलेगा. सर रूम्स की बात करें तो कितने डिफरेंट रूम्स होंगे? रूम्स पूरे स्लॉट में दो रूम है, एक बी साइड है एक ए साइड है. बीच में एक पैरेलल वॉक है जहाँ सब लोग देखे चिल्ला सकते हैं. तभी खुलेगा जब वार्डन मतलब बोलेंगे उनको खोलने के लिए, या तो अगर आप टास्क कंप्लीट कर सकें तो बाहर निकल सके. यू नो हर चीज़ है टाइमिंग पर, जैसे आपको टाइमिंग पर कोई आके विजिट कर रहा है वो सब एक डिफरेंट टास्क होगा. किचन का टास्क, किचन खुलने नहीं वाला है, कैसे खाने वाले हैं, क्या डिप्राइव हो के डिप्राइविटी को कमा के अर्न करना है उनको, पॉइंट्स नहीं मतलब टास्क अर्न करके फिर उनको एक लग्जरी पॉइंट मिलेगा. बेडरूम जैसे आप गए थे जेल तो वैसे ही है. मतलब हाँ ये है कि यहाँ अलग अलग पॉइंटर्स है, जैसे कि बेडरूम एक दूसरा है. अगर आप जब जाओगे तो दिख रहे हैं एक यहाँ एरिया है जो हम एक ज़माने में कभी पूल सोचते थे, पूल नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ अंदर जाके दैट इज़ बिकमिंग अ सॉलिट्यूड, मतलब सॉलिट्यूड एरिया वेयर दे गोना गो. वहाँ नीचे लेकिन जब दफनाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन वहाँ जाके रहना है. दूसरा एक है जैसे आप टावर देख रहे हो उतना बड़ा, वहाँ वार्डन ऊपर हमेशा रहेगा लेकिन उसके नीचे भी एक सेल बनाया हमने, तो जो कुछ कमाया नहीं जिसने कुछ फॉल्टर किया तो वहाँ जाके रहेगा. ऑब्वियसली ऐसा लगता था बिकॉज मैं भी बोला अगर मैं उधर जाके रहूँगा तो मैं तो भागने की कोशिश करूँगा. ठीक है भागने की कोशिश करूँ फिर पनिशमेंट मिलेगी. तो दीज आर ऑल यू नो एडेड लाइक विद द डिज़ाइन वी लाइक कंट्रोल्ड इट एंड सेस जाने दो ऊपर, लेट्स सी करने दो उनको ब्रेक करने दो रूल्स, वी विल गिव पनिशमेंट. तो उसमें मज़ा था ये डिज़ाइन करने का. रिसर्च तो मैंने जब सरबजीत की थी तब की थी, तो ऑब्वियसली आई मीन आई हैव लिव्ड इन लाइक यू नो द क्रैगी वॉल्स, द स्मेल एंड वो सब मैं फील कर चुका हूँ वाइल डिजाइनिंग सरबजीत. तो वो मेरे मन में था कि हाँ उतना हम क्रैगी नहीं करेंगे जैसे वो पाकिस्तान जेल था, लेकिन ये ऐसे करेंगे कि यू कैन इधर फील ईरी अबाउट इट वंस यू स्टेइंग इन. ये भी है कि मैं क्यों देखूँ ये शो, नहीं फैंटास्टिक है, समथिंग न्यू दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर. और उसको रियल लाने के लिए वी यूज द रियल टेक्सचर, एंड जो लोग यहाँ रहेंगे उनको ही पता चलेगा कि ये जो बाथरूम जो बाहर से है अब ये नॉर्मल कॉमन बाथरूम है, इसके बाद में एक लग्जरी बाथरूम भी है. ओके यहाँ आपको कर्टन हन करना पड़ेगा, सब चीज़ होगा, तो दैट स्मेल वेल सब है. इनफैक्ट मैंने वॉश बेसिन में दिए हैं, बेसिकली वो टूटी होती है ना पुरानी वाली जो टैप है उसमें से ही धो ले, नीचे कपड़े धो वैसे ही उठो. सेम किचन में भी वैसे ही है, हमने सिंक नहीं दिए बर्तन मतलब वॉश करने के लिए, वही नीचे बैठो और नीचे धो. तो ऑल दिस मतलब रिसर्च नहीं किया है लेकिन हमको पता है कैसे दिखता है, यू नो द क्रैगीनेस द ईरीनेस उसको हमने यू नो ध्यान में रख के फिर डिजाइन किया. यस द बाथरूम इज वेरी लाइक दैट, बट देर आर ऑब्वियसली देर आर सीक्रेट प्लेसेज, देर आर डिफरेंट प्लेसेज दैट विल स्लोली यू नो अनफोल्ड इन द शो. एंड बट येस द मोमेंट यू अर्न समथिंग यू विल गेट एन रिवॉर्ड उस हिसाब से. है लेकिन वो बाद में खुलेगा बिकॉज अब आपके लिए है ये यू नो जो घर है सामने दिखेगा, जो अंदर के रूम्स हैं वो आपको भी सरप्राइज है, बाद में अच्छी तरह देखते रहो.
जब आपने बिग बॉस का सेट अभी तक जितने सीजन्स बनाया है, इट इज़ फुल ऑफ लग्जरी और बहुत सारे अम्यूनिटीज़ यहाँ पे देते हैं, और एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे है जहाँ पे आप अम्यूनिटीज से लोगों को डिप्राइव करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो इस सब में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिकॉज अभी जस्ट आपने जब बिग बॉस 15 का बनाया था, सब लग्जरी एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे क्या आपने चैलेंजेस फेस किए व्हाइल डूइंग अ सेट जहाँ पे सब कुछ छीन लिया गया? देखो, ये इसमें ना मज़ा आया मुझे डिज़ाइन करने में, क्योंकि इट्स जस्ट ऑपोजिट टू एनी थिंग दैट वी डन, एंड इट वॉज चैलेंजिंग बिकॉज हम बेयर मिनिमम में सेट को कैसा अच्छा दिखाएं. ओके, बोरिंग भी नहीं होना चाहिए. मैं रेगुलरली देखने वाला हूँ, 24 आवर देखने वाला हूँ, तो वॉट इज़ इंटरेस्टिंग? तो ऑब्वियसली बात करते वक्त वो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, यू नो, पैटर्न ऑफ जाली थोड़ा लिबर्टी तो लिया है मैंने, यू नो, वॉल्स पर वैसे डिज़ाइनर ये तो नहीं है, लेकिन डिज़ाइन करते वक्त अच्छा लगा. बार्स के थ्रू हम शूट करें तो कैसे लगेगा? यू नो, ऑब्वियसली बेड दिया है, दैट आयन बेड इज़ देयर, वो जो खटिया होता है ना आयन का जिसमें बैक टूट जाती है, तो वो सब किया है. तो ऑथेंटिसिटी में जितना मज़ा आया ना करने में, तो दैट इज़ द कम्प्लीटली ड्रास्टिक डिफरेंट ऑफ वॉट आई डिज़ाइन बिफोर, बट दिस इज अ डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर, एंड आई जस्ट लव इट, आई होप यू पीपल ऑल्सो लाइक इट एंड यू वांट टू स्टे हियर. ओके, इज देयर एनीथिंग एज सच लाइक कैप्टन यहाँ पर कोई होने वाला है या कैप्टन रूम ऐसे कुछ है? वो सब है, पर वो सब खुफिया है. सब चीज़ है, बहुत सब चीज़ है, बहुत बहुत अंदर इतने सारे रूम है कि वो मुझे भी याद नहीं क्या क्या है. ओके, कंगना का 50% रोल होगा यहाँ पर, तो कंगना के लिए ऐसी कुछ स्पेशल जगह है जहाँ पर वो खड़े रहकर होस्ट करेगी, या टोटली अलग ही सेटअप है, या यही यहीं पर होगा वो है जगह है, बट ऑब्वियसली देर आर टू डिफरेंट सेट्स. यू विल कम टू नो देर इज वन सेट इनसाइड व्हिच आई कांट शो यू, दैट्स लेटर ऑन, बिकॉज 27 को तो 20 तारीख के लिए आपको ये सेट है. Thank you. Thank you. Please come.